Hi, welcome to my channel. This video will solve crane equation number 4. Construct a quadrilateral ABCD given AD is equal to 3.5 cm, BC is equal to 2.5 cm, CD is equal to 4.1 cm, AC is equal to 7.3 cm, and BD is equal to 3.2 cm. मैंने यहाँ पर रफ स्केच ड्रा कर लिया है. तो रफ स्केच में आप लेंथ को ध्यान न दे करके बस आप डिपिक्ट कर देते हैं जो भी वैल्यूज दिया रहता है, बस आप लेवल कर देते हैं और इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं आप क्वाड्रिलेटरल. चलिए हम यहाँ पर 5 वैल्यूज दे दिया गया है तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक साइड से आप कर सकते हैं एक्चुअली. तो हम स्टार्ट करते हैं बी डी को लेकर के. बी डी एक डायगनल है. चलिए हम ड्रा करते हैं पहले 3.2 सेंटीमीटर का. बी डी एक लाइन सेगमेंट. ओके, तो हमने डी वी कंस्ट्रक्ट कर लिया है 3.2 सेंटीमीटर. अब करना क्या है कि हमें डी को सेंटर मान करके और 4.1 सेंटीमीटर के रेडियस से लेकर के एक आर खींचेंगे और सिमिलरली बी को सेंटर मान करके 2.5 सेंटीमीटर के रेडियस से लेकर के हम यहाँ पर एक आर खींचेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा सी पॉइंट. आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं पहले ए पॉइंट ड्रा किया गया, इसलिए क्योंकि आप बी ए लेंथ को नहीं जानते आप, ठीक है, आपको ये नहीं पता. इसीलिए पहले जिसको पता रहता है हम वही ड्रा करते हैं, ठीक है. तो बी डी यदि हमने डी वी पहले खींचा है तो डी से जो लेंथ पता रहेगा और बी से जो लेंथ पता रहेगा वही आप पहले आर खींचेंगे. ओके, दैट्स इट, लेट अस ड्रा. ओके, तो हमारा पॉइंट मिल गया सी, तो हम यहां पर सी को लिख लेंगे. अब डी बी और बी सी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो लेट अस ज्वाइन. सी को कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब आपको देखना है कि कौन से दो पॉइंट से आपको ए पॉइंट तक जा सकते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां से लेंथ दिया होगा ए तक. तो आप देख सकते हैं कि डी से, यहां डी से ये 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के यदि आर्क ड्रा करेंगे और सी पॉइंट से 7.3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के ड्रा करेंगे तो ए पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा, ठीक है. तो लेट अस टेक and draw two arcs. ओके, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है और ये पॉइंट है आपका ए. यहां पर लिख लेंगे ए. डी ए एंड बी ए को ज्वाइन कर देंगे. सो नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो यहां पर कंस्ट्रक्शन पॉसिबल था, क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं था. ओके, तो यहाँ पर सारे साइड्स का लेंथ ट्रेंगल के अनुसार दिया हुआ है. सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस. आप ऐसे ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. यदि आपको अच्छा लगा ये सॉल्यूशन तो लाइक कर दीजिए, आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये वीडियोज़ अपने मोबाइल पर टाइम से मिल जाएंगे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.